तीर्थ यात्रा कौन सी है? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा से जन्म जन्म की प्यास कट जाला। यात्रा प्रोग्राम के तहत आप लोग के शहर कराबजा विश्व के सात गो अजूबा में से एक गो अजूबा के वो भारत के आगरा शहर में स्थित है और वो एक विश्व धरोहर मकबरा है। आगरा उत्तर प्रदेश प्रांत के एगो जिला है। ई ताजमहल यमुना नदी के किनारे बसल बाटे। समुद्र तल से एकर औसत ऊंचाई करीब 103.11 मीटर है। आगरा उत्तर प्रदेश के तीसरा बड़ा शहर है और आगरा विश्व में अपन ताजमहल, अपन पेठा और अपन चमड़ा से बनावल सामान खातिर बड़ी प्रसिद्ध है। लोग दूर दूर से विश्व के कोना कोना से है ये तीन चीज खातिर है जावेलन जा। पेठा भतवा से बनावल एगो बड़ी मीठा मिठाई है जेकर से रस चुवेला और जे भी है जावेला एके चखे बिना नहीं जालन जा। हर किस्म के पेठा मिलेला, हर फ्लेवर के, हर रंग रूप के और हर स्वाद के पेठा मिलेला। हैजा के चमड़ा के जूता, बस्ता, जैकेट अपन क्वालिटी खातिर बड़ी प्रसिद्ध है। यात्री लोग इस सब चीज देखे खातिर बड़ी उत्सुक रहलन जा और खूबे खरीदारी भी करलन जा। फिर रुख कर लीजा मुमताज की याद में बनावल ताजमहल की ओर। एक ताजमहल दिल में हर कोई है बनाया। भाई बहन लोग कोई भी होई
मोहब्बत बा दिल में ते को ताजमहल जरूर बनैले होई बा। यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप लोग के दिखाए जाते जा शाहजहां और मुमताज के प्रेम के निशानी ताजमहल मुमताज महल। पाछे में देखा थोई बा कि एगो बहुत बड़ा महल बाते जो संगमरमर से बनावल गल है। एके बनाई में 22 साल लगल है। यदि टावर पर देखबा तो 22 गो टावर बाते। एकर मतलब 22 साल में शाहजहां अपन रानी खातिर अपन मोहब्बत खातिर अपन मुमताज खातिर ये महल खड़ा कर ले रहल। तो जो यात्रा कार्यक्रम करते जा प्रतिनिधिमंडल के सदस्य लोग हमन जाते जा ताजमहल के दौरा करे। चलो हमनी के साथ मिल के तू भी ताजमहल के दर्शन कर जिन प्यार के निशानी है संगमरमर के सबसे सुनहरा सबसे सुंदर अंश धरती पर और ई विश्व के एगो अजूबा है। एक साथ देखी जा ताजमहल पर्यटक लोग खातिर आकर्षण के एगो बहुत बड़ा केंद्र है जहाँ पर ही गरम ढेर फूकेला। आगरा ही एगो गरम शहर है जहाँ गर्मी लू भी मारेला। है जा चाहेला खूबे पानी पिए के और सर के टोपी से ढके के और लंबा कपड़ा पहने के। जा एगो पर्यटन स्थल होला के नाते चहला फीस चुकाए के पर्यटक लोग खातिर दूसर दाम और स्थानीय लोग खातिर दूसर दाम और जेकर पास ओ सीआई कार्ड है वो स्थानीय रेट चुकावे लन जा। ताजमहल मुगल वास्तुकला के एगो उत्कृष्ट नमूना है जेकर निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा उनकर पत्नी मुमताज खातिर बनावल गल रहल।
एकर वास्तु शैली फारसी तुर्क भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों के अनोखा सम्मिलन है। सन 1904-3 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर में सम्मिलित होल। एकर संगे संगे एक विश्व धरोहर के सर्वत्र प्रशंसा पाई होला अति उत्तम मानवीय कृति मानल गल। ताजमहल के भारत की इस्लामी कला के रत्न भी घोषित करल गेल। इमारत लेखर ना बनाकर इनकरा श्वेत गुंबद और टाइल आकार से संगमरमर से यानी कि मब से ढकल गेल। एकर कृति दूसरे हा एक छोटा छोटा कृति से बनावल गलबाते और इस सब मॉब में छोटा छोटा मॉब से देसें करल गलबाते और एक देख के मन सोच में पड़ जला कि इंसान सके इसन काम करे। केंद्र में बनल मकबरा अपन वास्तु श्रेष्ठा में सौंदर्य के संयोजन के परिचय दिवेला। ताजमहल इमारत समूह के संरचना की खास बात यह कि वो पूरा रूप से सममितीय है। एकर निर्माण 1602-3 में पूरा होल रहल और एकर लागत उस समय में 32 यानी कि 1.12 करोड़ रहल। सालाना ताजमहल 7 से 8 मिलियन पर्यटक लोग के आकर्षित करेला। शाहजहां के सपना रहल ठीक ताजमहल के सामने एगो काला महल बनाई के जहां उकर कब्र रहत, पर उ सपना उनकर बेटा के कारण सच ना भैल।
ताजमहल से लगभग 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में विश्व प्रसिद्ध स्मारक आगरा के लाल किला मौजूद बा। किला के कुछ इतिहासकार चार दीवारी से घिरल प्रसाद महल नगरी बोले लंजा जेके बेहतर समझे लंजा। ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण किला है। भारत के मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब हैजा रहत रलंजा। हैजे से उलोग पूरा भारत में शासन करत रलंजा। हैजा पर ये हमनी के महादेवी वर्मा की कविता गिलहरी के बड़ी याद आए। ये सब गिलहरी माना हमनी के देख के अपन रासलीला करत रलंजा। ये गिलहरी के हमनी आम भाषा में एक युगाई बोली ला जा। आगरा से वापस दिल्ली के रास्ता पकड़ लीजा। यात्रा पूरा करला के बाद भारत में मॉरिशन दूतावास में मॉरिशस दूत जगदीश गोवर्धन जी और पर्यटन मंत्री सतपाल जी महाराज द्वारा सब यात्री लोग के एगो सर्टिफिकेट प्रदान करल गेल और आवत यात्रा की ओर सुगम बनाए खातिर विचार विमर्श करल गेल। सबके अपन अपन अनुभव बांटे के मौका भी मिलल।
आज के यात्रा प्रोग्राम आवत सप्ताह मिलब जा अक्षरधाम में प्रतीक्षा करिया। शुभ रात्रि, नमस्ते।